डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मिसेस हिबा थुरोव, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इंक्लोजिंग अ चार्ज। सबसे पहले पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम दो तीन तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर सरफेस। नंबर टू, ये डॉट प्रोडक्ट होगा या स्केलर प्रोडक्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया के दरमियान। तीसरा होगा कि किसी भी सरफेस में जो टोटल चार्ज है उसको हम एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दें, यानी फाई ई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसमें सबसे आसान तरीका इसको डिफाइन करने का द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया इज़ नॉन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई ई से डिनोट करेंगे, फाई से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट करेंगे। ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या इलेक्ट्रिक। दूसरी चीज़ इसमें है ई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। ए हमारे पास वेक्टर एरिया है। जिस भी सरफेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी नंबर ऑफ लाइंस पास कर रही हैं उस सरफेस का वेक्टर एरिया। अब हम वेक्टर एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं, किसी भी सरफेस का वेक्टर एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं, सबसे पहले हम इस पॉइंट को समझेंगे, फिर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझेंगे। ये आपके पास एक सरफेस है जिसका एरिया है ए, यानी एक प्लेन सरफेस है जिसका एरिया ए। सरफेस की बाउंड्री इस सरफेस के एरिया को डिफाइन कर रही है। लेकिन अगर इसी सरफेस का हम वेक्टर एरिया फाइंड करना चाहें तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, यानी नॉर्मल ड्रॉ करेंगे इस सरफेस के ऊपर। वो नॉर्मल डायरेक्शन जो होगी वो हमें इस सरफेस के एरिया की वेक्टर डायरेक्शन को शो करेगा, यानी द वेक्टर एरिया ऑफ प्लेन सरफेस हुज मैग्नीट्यूड इज़ द एरिया ऑफ द फिगर एंड हुज डायरेक्शन इज डैट ऑफ द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द फिगर। अब इस डायग्राम में देखें, सरफेस एरिया इस सरफेस के एरिया को शो किया, बाउंड्री के अंदर अंदर जो रीजन है उसको, लेकिन इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर सीधा ऊपर की तरफ ड्रॉ किया हुआ है। इसको हम हाँ ए वैक्टर से शो कर रहे हैं जो कि हमारे पास वैक्टर एरिया होगा। इस तरह हम किसी भी सर्फिस को लेके उसका वैक्टर एरिया फाइंड कर सकते हैं, उसके ऊपर सिंपल एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। इसी तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपके पास रेड कलर में ये सरफेस एरिया है, बाउंड्री जो बनी हुई है, इसके ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर की डायरेक्शन जो है वो आउटवर्ड दिखाई हुई है। ये आउटवर्ड डायरेक्शन हमारे पास वेक्टर एरिया है क्योंकि ये सरफेस हमने परपेंडिकुलर इसको रखा हुआ है। सरफेस को हमने इस तरह से रखा हुआ है कि इसकी जब हम वेक्टर एरिया फाइंड करेंगे, आप सपोज इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आपके पास एक बुक है, बुक आपके सामने पड़ी है, टेबल पे रख दें, उस बुक के चारों तरफ जो बाउंड्री है वो आपके पास बुक का सरफेस एरिया है, उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, वो अपवर्ड डायरेक्शन में होंगे, वो परपेंडिकुलर आपको उस सरफेस एरिया का वेक्टर एरिया होगा। अब आप उस बुक को राइटवर्ड खड़ा कर दें, जब आप खड़ा करेंगे तो जो सीधा वेक्टर एरिया आपने ड्रॉ किया था उसकी डायरेक्शन भी टर्न हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह ये आपको रेड एरो की डायरेक्शन जो नज़र आ रही है इस डायग्राम में, ये अगर आपके पास सरफेस बिल्कुल सीधी होगी तो ये अपवर्ड होगा। अब आपने इसको टर्न कर दिया राइटवर्ड तो आपके पास इस वेक्टर एरिया की डायरेक्शन ई के पैरेलल है, ठीक है। अब जितना इस सरफेस में से नंबर ऑफ लाइंस पास करेंगी, जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस पास करेंगी उतना ज़्यादा हमारे पास फ्लक्स होगा। ये डिपेंड करता है कि आपके पास सरफेस एरिया कितना है। ए किस चीज़ पर डिपेंड करेगा,
दूसरा किस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है, मींस हम जो सरफेस रखेंगे वो जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, जिस चार्ज से क्रिएट हो रहा है उस चार्ज के करीब रखेंगे, नंबर ऑफ़ फील्ड लाइन ज़्यादा पास करेंगे। अगर आप चार्ज से फील्ड वाला जिस जहाँ से क्रिएट हो रहा है उससे थोड़ा दूर होते जाएंगे, नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस उस सरफेस में पास होना कम हो जाएंगे। तीसरा, ये डिपेंड करता है ई और ए के दरमियान एंगल जो है, यानी ओरिएंटेशन पे। और इसलिए कि अगर आपके पास सरफेस एरिया यानी वेक्टर एरिया और ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी परपेंडिकुलर होगी, यानी 90 का एंगल होगा, 0 डिग्री का एंगल होगा, 180 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है, या एट एनी एंगल, ये हमें डिफाइन करेगा कि हमारे पास कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ये चीज़ ओरिएंटेशन ऑफ द फील्ड ये डिफाइन करेगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मैग्नीट्यूड कितनी है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द गिवन एरिया, थ्रू अ गिवन एरिया। यू कैन थिंक ऑफ द फ्लक्स थ्रू सम सरफेस ऑफ एज ए मेजर ऑफ द नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स विच पासिस थ्रू डैट सरफेस। और फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस एरिया एंड ऑन द रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ द फील्ड एंड सरफेस यानी एंगल। सो फाई किसके इक्वल है, ई डॉट ए के। फाई आपके पास स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी है। सो ई ए कॉस थीटा फार्मूला भी आपके सामने है जो शो कर रहा है कि फ्लक्स ई पे डिपेंड कर रहा है, ए पे डिपेंड कर रहा है और कॉस थीटा पे। इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या वोल्ट मीटर। अब हम ये देखेंगे कि ये फ्लक्स मैक्सिमम कब होता है, मिनिमम कब होगा। सबसे पहले देखते हैं फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा। फ्लक्स मैक्सिमम होगा अगर सरफेस परपेंडिकुलर रखी जाए इलेक्ट्रिक फील्ड के, यानी सरफेस में और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल परपेंडिकुलर हो, या वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई और वेक्टर एरिया ए में एंगल 0 डिग्री हो। दो कंडीशंस हैं, सरफेस एरिया जो कि स्केलर क्वांटिटी है, जो सरफेस आपके सामने है इसकी बाउंड्री उसका एरिया उसमें, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में एंगल 90 डिग्री हो, या वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में एंगल 0 डिग्री हो, तब आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा। फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा ए या ए, डॉट प्रोडक्ट को ख़त्म करेंगे कॉस थीटा आएगा, थीटा हमारे पास 0 है क्योंकि एन यूनिट वेक्टर आपको वेक्टर एरिया को शो कर रहा है। एन और ई में एंगल 0 डिग्री है, पैरेलल हैं, ये आपको डायग्राम बता रही है, ये पैरेलल हैं, और कॉस 0 1 होगा, तो फाई ई इज इक्वल टू ई ए, ये आपके पास मैक्सिमम फ्लक्स आ जाएगा। मिनिमम फ्लक्स आपके पास कब होगा, मिनिमम फ्लक्स तब होगा जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया, जैसा कि आपके पास इस डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है कि आपके पास ई और एन दोनों में एंगल 90 डिग्री है, वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में एंगल 90 डिग्री है, सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में एंगल 0 डिग्री है, तब आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिनिमम होगा। यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं वेक्टर एरिया को, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ए में है, यानी वेक्टर ए में। सो ई डॉट ए 90 डिग्री, कॉस 90 ज़ीरो होता है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, 0। इट मीन्स के मैक्सिमम फ्लक्स तब होता है जब आपके पास वेक्टर एरिया और ई के दरमियान एंगल 0 डिग्री होगा, यानी दोनों फील्ड लाइंस और वेक्टर एरिया पैरेलल होंगे। अगर वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी परपेंडिकुलर होंगे तो मिनिमम फ्लक्स होगा। अगर आपके पास वेक्टर एरिया ना परपेंडिकुलर हो ना पैरेलल हो फील्ड लाइंस के, किसी भी इंक्लाइंड एंगल पे हो थीटा पे, तब आपके पास फ्लक्स की वैल्यू होगी ई ए कॉस थीटा।
यहाँ पे आप थीटा फाइंड करोगे कि उसकी क्या वैल्यू है। ई और ए के दरम्यान थीटा, ये ना 0 डिग्री है और ना ही ये 90 डिग्री है, ये 0 और 90 के दरम्यान में है। सो तब हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू आएगी ई ए कॉस थीटा। ये हमने 3 केसेस पढ़े इलेक्ट्रिक फ्लक्स के, मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम यानी 0 कब होगा, और एट एनी एंगल, कोई भी एंगल, कोई भी एंगल के लिए इंक्लाइन सरफेस होगी आपके पास। नेक्स्ट है, अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे थ्रू आ सरफेस इंक्लोजिंग अ चार्ज। आपके पास ये एक स्फीयर है, क्लोज्ड स्फीयर है, इसके सेंटर में एक चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू। इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एमिट हो रही हैं, प्लस क्यू है, आउटवर्ड डायरेक्शन में होंगी। इस पूरे स्फीयर का एरिया है ए, लेकिन ये कर्व शेप में है, स्फेरिकल शेप में है। जब स्फेरिकल शेप में हो गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं होगी। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट रखने के लिए इस एरिया को छोटे छोटे फ्लैट एरियाज़ में डिवाइड करना होगा। जैसे आपके सामने एक फ्लैट एरिया को शो किया हुआ है, इस पूरी सरफेस को हम छोटे छोटे फ्लैट एरियाज़ में डिवाइड कर लेंगे। ये हम किस लिए कर रहे हैं, ताकि हम वेक्टर एरिया इसका फाइंड कर सकें, नंबर वन। नंबर टू, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रख सकें। जब हम इसको छोटे छोटे एरियाज़ में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हर एरिए का ई के साथ एंगल डिफाइंड हो जाएगा, यानी ई और डेल्टा ए, उस एरिया को डेल्टा ए 1, डेल्टा ए 2 या डेल्टा ए 3, सो ऑन। तो उसके लिए हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, जो कि फाई 1, फाई 2, फाई 3, सो ऑन, फाई एन होगा, ये एन जितने भी पैचेज होंगे, इन सबको सम करेंगे, सम करके हम टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, जो कि फाई ई के इक्वल होगा। कंसिडर अ क्लोज सर्फिस इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस आर विच हैज़ अ पॉइंट चार्ज क्यू एट इट्स सेंटर। टू अप्लाई द फार्मूला फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स द सर्फेस एरिया शुड बी फ्लैट फॉर दिस रीज़न, यानी उसका फ्लैट होना ज़रूरी है। टोटल सर्फिस एरिया ऑफ द स्फीयर इज़ डिवाइडेड इंटू एन स्मॉल पार्ट्स ऑफ एरिया डेल्टा ए 1, डेल्टा ए 2, सो ऑन डेल्टा ए एन। डायरेक्शन ऑफ ईच वैक्टर एरिया इज़ परपेंडिकुलर ड्रॉन आउटवर्ड टू द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट। हर पार्ट का हम वैक्टर एरिया फाइंड करेंगे, जो हर स्मॉल पार्ट के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, जो कि आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, और वो फिर ई के साथ अपना एंगल डिफाइन करेगा। जब एंगल पैरेलल होगा तो उसका फ्लक्स कैलकुलेट होगा, यानी मैक्सिमम होगा। अगर एंगल 90 डिग्री होगा, वहाँ फ्लक्स 0 होगा। एज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया इज सेम एट एवरी पॉइंट, आप देख रही हैं कि प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो आउटवर्ड होगी, और एरिया भी हर फ्लैट सर्फिस का आउटवर्ड होगा, यानी दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, पैरेलल होगी। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर्स ऑफ द वेक्टर एरिया एरियाज डेल्टा ए 1, डेल्टा ए 2, सो ऑन डेल्टा ए एन क्या होगी, ए ई 1, ई 2, सो ऑन ई एन वेक्टर क्वांटिटी में। टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस ऑफ स्फीयर इज फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा ए होगा, ई डॉट को ख़त्म करेंगे, ई डेल्टा ए कॉस थीटा, थीटा 0 होगा, कॉस 0 1 होगा, तो हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगी ई डेल्टा ए। तो यहाँ पे हम फाई ई यानी टोटल फ्लक्स लिखेंगे, जो कि सबका सम होगा ई 1 डेल्टा ए 1, तो कॉस थीटा जो कि 0 था, कॉस थीटा थीटा 0 था, कॉस 0 1 होगा, प्लस ई 2 डेल्टा ए 2, प्लस सो ऑन, प्लस ई एन डेल्टा ए एन। बिकॉज ऑफ स्फेरिकल सिमेट्री द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सेम
एट एवरी पॉइंट, यानी हर जगह पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम हो, मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होगी. सो ई वन मैग्नीट्यूड ऑफ ई वन इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ई टू, सो ऑन इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ई एन, यानी nth पार्ट इज इक्वल टू ई, और ई किसके इक्वल है, 1/4πε0 क्यू ओवर आर स्क्वायर. हम इसमें ई की वैल्यू पुट कर देंगे और डेल्टा ए वन प्लस ए टू प्लस सोन डेल्टा ए एन, ये हमारे पास उस स्फीयर का हमने छोटे छोटे फ्लैट एरियाज में इसको डिवाइड किया था, सिर्फ इसलिए ताकि हम हर पार्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को मैग्नीट्यूड को सेम कॉन्स्टेंट बना सकें. तो अब जब हमने इसको कैलकुलेट कर लिया तो टोटल एरिया किसके इक्वल होगा, सारे फ्लैट एरियाज को प्लस करेंगे वो टोटल एरिया के इक्वल होगा, और स्फीयर का एरिया होता है 4πr², तो फाई ई किसके इक्वल हो जाएगा इस केस में, ई यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ई मल्टीप्लाई बाय 4πr², डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू प्लस सोन डेल्टा ए एन की जगह हम 4πr² लिखेंगे, जो कि टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर होगा. अब ई की वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो 4πr² कैंसिल हो जाएगा, फाई ई किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट. सो फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस डिपेंड्स अपॉन द मीडियम एंड चार्ज इनक्लोज्ड ऑन इट ओनली. इस फार्मूले से हम ये कंक्लूजन निकाल रहे हैं, रिजल्ट निकाल रहे हैं कि अगर किसी स्फेरिकल बॉडी में चार्ज इनक्लोज्ड हो तो उसका जो फ्लक्स है वो सिर्फ दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, जो चार्ज हमने रखा है या जो चार्जेस हमने उस पर डिस्ट्रीब्यूट किए हैं या किए हैं, वो उसमें मीडियम क्या है, यानी उनके दरमियान में मीडियम एयर है, वैक्यूम है, यहाँ पे हमारे पास मीडियम वैक्यूम था इसलिए एप्सिलॉन नॉट आया. तो एक तो वो मीडियम पर डिपेंड करेगा, दूसरा वो किस पर डिपेंड कर रहा है कि चार्ज की मैग्नीट्यूड कितनी है, तो फ्लक्स दो ही चीज़ों पर डिपेंड करता है. ये आपके पास था चार्ज इनक्लोजिंग आ सरफेस और उसमें हमने इसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट की. थैंक यू.